हाय एवरीवन जय हिंद आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने एक वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्वेश्चन था कि कंपनी के लिए न्यू कस्टमर एक्वायर करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना तो कुछ लोगों ने कहा कि रिटेंशन में ज्यादा फ़ायदा है कुछ ने कहा एक्वायर करने में ज़्यादा फायदा है तो आज हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इस पे छोटा सा डिस्कशन जरूर करेंगे तो इसका सही आंसर है कि रिटेन करना एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज्यादा फायदेमंद होता है कंपनी के लिए है ना तो कंपनी को ट्राई करना चाहिए कस्टमर रिटेन करके रखना ये किस तरह से बेनिफिट करता है आज हम इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे राइट तो शुरू करते हैं तो क्या रीजंस हैं कि कस्टमर रिटेंशन इज बेटर देन कस्टमर इज चीपर देन जो चीज हमारे पास है ऑलरेडी है, है ना उसको रिटेन करके रखना ऑब्वियसली कम कॉस्टली होगा एज कम्पेयर टू आप कोई नई चीज एक्वायर कर रहे हैं है ना तो इसीलिए लॉयल कस्टमर्स आर मोर प्रॉफिटेबल लॉयल कस्टमर्स होते क्या है जिन्हें कंपनी रिटेन करने में सक्सेसफुल होती है देखो लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं ना वो रिपीट बिजनेस देते हैं मतलब कि बार बार सेम कंपनी को ही चूज करते हैं तो कंपनी का तो प्रॉफिट डेफिनेटली हो गई यहाँ पे जब कस्टमर बार बार उन्हें ही कंसीडर कर रहा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए है ना तो इसीलिए लॉयल कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट करने में हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी की थर्ड पॉइंट है यू विल अर्न मोर वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं ना वो सिर्फ अपने तक नहीं रखते अपना एक्सपीरियंस वो औरों के साथ भी शेयर करते हैं जैसे वो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे अपने घर वालों को बताएंगे अगर हम एग्जाम्पल लें अगर मुझे कोई लिपस्टिक बहुत पसंद है तो मैं अपनी फ्रेंड को भी बताऊंगी कि तू भी ट्राई कर है ना तो ये लॉयल कस्टमर्स करते न्यू कस्टमर्स कभी भी नहीं करते इसीलिए भी कस्टमर अटेंशन इज बेटर देन कस्टमर एक्विजिशन राइट फोर्थ पॉइंट इंगेज कस्टमर्स प्रोवाइड मोर फीडबैक तो जो हमारे लॉयल कस्टमर्स होते हैं जो कंपनी रिटेन करने में सक्सेसफुल होती है वो सिर्फ पैसिव रोल नहीं प्ले करते कि बस गुड्स परचेज किए सर्विसेज अवेल की और चले गए वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं है ना वो टू वे इंटरेक्शन करते हैं ताकि कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर सकें राइट तो लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं ना वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं जैसे आप गए हो मैकडोनल्ड गए हो तो वो फीडबैक फॉर्म फिल करवाते हैं आपसे है ना तो जब हम फीडबैक देते हैं उससे कंपनी ग्रो करती है और इसमें कंपनी का फायदा होता है राइट कस्टमर विल एक्सप्लोर योर ब्रांड अच्छा अगर आप कोई लॉयल कस्टमर है है ना वो आपके ब्रांड का कोई और प्रोडक्ट होगा उसे भी ट्राई करेगा और विलिंग होगा ट्राई करने को अगर मैं अपना एग्जाम्पल लू आ, मैं मेबलिन की लॉयल कस्टमर हूँ है ना मुझे उनके प्रोडक्ट बहुत पसंद है तो अगर मैं हमेशा मेबलिन की ही लिपस्टिक लेती हूँ तो मैं सिर्फ लिपस्टिक तक नहीं लिमिट है ना मैं उसके फाउंडेशन भी ट्राई करती हूँ मैं कॉम्पैक्ट भी ट्राई करती हूँ तो इससे मैं क्या कर रही हूँ मैं उनके ब्रांड को एक्सप्लोर कर रही हूँ तो इसलिए जो लॉयल कस्टमर्स हैं है ना जिन्हें कंपनी रिटेन कर पा रही है वो फायदेमंद होते हैं वो एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी की राइट right? तो ये थे हमारे कुछ रीजनस की क्यों कस्टमर रिटेंशन बेटर होता है कस्टमर से अब हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स कस्टमर रिटेंशन और एक्विजिशन को लेके ओके okay. हमने ऑलरेडी देखा कि कस्टमर रिटेंशन जो है ना वो एक्विजिशन से चीपर है है ना, हमारे पास डाटा भी है रिसर्च ने बताया है कि एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर कैन कॉस्ट फाइव टाइम्स मोर देन रिटेनिंग एन एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब कि अगर कस्टमर को रिटेन करने में हमें हंड्रेड रुपीज की कॉस्ट आ रही है ना तो कंपनी जब न्यू कस्टमर को एक्वायर करेगी तो कंपनी का पांच सौ का खर्चा होगा है ना तो कंपनी क्यों ही करेगी मतलब कंपनी नए कस्टमर्स चाहती तो है एक्वायर करना है ना लेकिन ज्यादा फायदा जो होता है वो रिटेन करने में होता है क्योंकि एक्वायर करने में फाइव टाइम्स ज्यादा खर्चा होता है ओके नेक्स्ट अब जो अगला स्टेटिस्टिक्स है वो हमें बताता है कि अगर हम कस्टमर अटेंशन जो है अपनी वो पांच परसेंट से बढ़ाते हैं ना इंक्रीज करते हैं पांच परसेंट से तो प्रॉफिट्स जो होते हैं ना वो पच्चीस से नाइनटी फाइव परसेंट तक इंक्रीज हो सकते हैं कंपनी के है ना तो ये है पावर अटेंशन की समझ रहे हो आप है ना आगे हम चलते हैं ओके okay. रिसर्च ने प्रूव किया है कि कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना को प्रोडक्ट अगर बेचना हो ना तो सक्सेस रेट होता है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट जो कि बहुत हाई सक्सेस रेट है है ना कि राइट right? लेकिन अगर हम कोई नया कस्टमर है उसको अपने प्रोडक्ट के लिए आ, देखते हैं कि हम उसको प्रोडक्ट बेचेंगे या क्या तो सक्सेस रेट है सिर्फ पांच से बीस परसेंट जो कि बहुत कम चांसेस है है ना उसके सक्सेसफुल होने में तो जब हम इतना कम चांस है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे है ना तो हम क्यों ही अपने एफर्ट्स को जो है वेस्ट करेंगे उनको प्रोडक्ट बेचने में राइट तो जहां ज्यादा सक्सेस रेट है हम वहां ट्राई करेंगे ना मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर को समझ रहे हो आप बात आगे फोर्थ पॉइंट देखिए रिसर्च ने ये भी इंडिकेट किया है कि लॉयल कस्टमर्स होते हैं ना जो जो रिटेन किए होते हैं कंपनी ने वो फाइव टाइम्स एज लाइकली टू रीपरचेज है ना क्योंकि वो लॉयल हैं वो बार बार उसी कंपनी से ही खरीदेंगे क्योंकि लॉयल का तो मतलब ही ये होता है कि वो उसी ब्रांड को कंसिडर करेंगे है ना फाइव टाइम्स एज लाइकली टू फॉर अगर कंपनी से कोई मिस्टेक हो जाती है जैसे ट्रांजिट में थोड़ी सी ब्रेकेज हो गई या पैकिंग अच्छी नहीं थी तो लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं ना वो माफ कर देते हैं है ना लेकिन जो न्यू कस्टमर होते हैं वो लॉयल नहीं होते वो नेगेटिव पब्लिसिटी कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट की तो इसलिए लॉयल्टी का फायदा होता है कंपनी को राइट वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी मिलता है कंपनी को एक तरह से है ना आगे क्या है और दे आर सेवन टाइम्स एज लाइकली टू ट्राई न्यू ऑफरिंग अगर कोई कंपनी जो कि कस्टमर को रिटेन करने में सक्सेसफुल है है ना लॉयल कस्टमर्स बनाने में अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना तो कस्टमर ना उसे ट्राई करते हैं अगर हम यहाँ पे ना एग्जाम्पल से इस बात को समझे कि अब एप्पल की इतनी वैल्यू बन चुकी है, है ना और इतना कस्टमर बेस है उसका इतना लॉयल कस्टमर बेस है उसका है ना तो अब एप्पल ने जब एप्पल वॉच जो है लॉन्च की तो कस्टमर्स ने ना इगरनेस दिखाई है ना उसको खरीदने को मतलब रेडी मार्केट मिल गई थी एप्पल को है ना तो क्योंकि लॉयल कस्टमर्स थे तो उसकी ऑफरिंग खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा थे तो इसलिए बहुत ज्यादा फायदा होता है कंपनी को कस्टमर रिटेन करके रखने में है ना और कंपनी को यही ट्राई करना चाहिए करेक्ट लेकिन हम एक और बात यहाँ पे देखते हैं कि जिन लोगों ने न्यू कस्टमर एक्वायर करना आंसर किया था वो एंटायरली गलत भी नहीं थे है ना वो पार्शली करेक्ट थे क्योंकि अगर हम से यहाँ पे समझे अगर कोई नई कंपनी है, है ना न्यूली न्यूली लॉन्च कंपनी है तो वो रिटेन कैसे करेगी उसका तो कोई कस्टमर है ही नहीं उसके लिए तो एक्विजिशन ही बेटर होगी है ना रिटेंशन तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है तो इसीलिए मोस्टली सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है अगर कोई न्यू कंपनी है ना तो उसके लिए कस्टमर एक्विजिशन ही होगा लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है है ना और उसके पास ऑप्शन है कि एक्वायर करे या रिटेन करे तो उसके लिए रिटेंशन ही बेटर ऑप्शन होता है राइट देखो रिटेंशन जो होता है ना वो बाद वाला स्टेप है पहले तो एक्वायर ही करना पड़ता है हर कंपनी को है ना कोई एक्वायर किया है ना तभी तो उसको रिटेन कर पाओगे तो मतलब एक्विजिशन होगी ही होगी हर केस में है ना एक्विजिशन होगी तभी ही रिटेंशन होगी लेकिन अगर कोई कंपनी के पास चॉइस है ना कि एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसको रिटेन करे या न्यू को एक्वायर करें तो उसमें कंपनी को हमेशा रिटेंशन ही प्रेफर करनी चाहिए राइट तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है कुछ प्रॉब्लम हो कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच